अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लुक क्रिएट करने जा रहे हैं वो है लाटे मेकअप लुक। इस लुक में हम ब्राउन्स में रह के सारा मेकअप करते हैं। लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपने एक ब्राउन शेड लेना है, लाइट ब्राउन। हमेशा आप लाइट से स्टार्ट करें, डायरेक्टली आप डार्क कलर मत डालें वरना वो हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पहले हमने इस तरह अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली ब्राउन से, लाइट ब्राउन से। अब ये हमने कॉर्नर बनाया है डार्क ब्राउन से, ठीक है। और इसको अच्छी तरह आपने कॉर्नर पे कलर रख के और इसको ब्लेंड कर लेना है। अब लिड एरिया पे आपने एक सटल सा गोल्ड कलर देना है। ये मैं फिंगर से एप्लीकेशन कर रही हूँ, आप ब्रश से भी कर सकते हैं। लिड पे ये शेड लगाने के बाद आप एक दफ़ा फिर से ब्लेंडिंग कर ले ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। मुझे एक सिस्टर ने कहा था कि आप वीडियो में लेंस लगा के दिखाइएगा, ये मैंने उनके लिए वीडियो में लेंस लगा के दिखाए हैं। और जिन लोगों को मुश्किल लगते हैं लेंस लगाने, वो ये एप्लीकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे ईजी हो जाता है। अब हम अंडर आई पे एक लाइट ब्राउन कलर लगाएंगे पहले और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। फिर हम थोड़ा सा डार्कर शेड लेके उसको इसके साथ मर्ज करेंगे लाइक दिस। अब हम इनर कॉर्नर को हाईलाइट करेंगे ताकि आंख थोड़ी सी एनहांस हो जाए। इनर कॉर्नर और ब्रॉ बोन पे हम हाईलाइटर अप्लाई कर देंगे। रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप हाईलाइटर अप्लाई करें उसके बाद इसको ब्लेंड कर लें थोड़ा सा, ताकि आपकी जो यहाँ पे एक हार्श लाइन बन जाती है वो ख़त्म हो जाए। वाटर लाइन पे मैंने एक न्यूड पेंसिल अप्लाई कर ली है और अब हमने मस्कारा लगाया है क्योंकि हम अब फॉल्स लैशेज अप्लाई करने लगे हैं। So this is how our makeup look after applying lashes. मुझे ये कॉर्नर थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था तो मैंने यहाँ पे लाइनर अप्लाई कर लिया, लैशेज के साथ उसे अटैच कर दिया लाइनर की लाइन को। और आप लगाना चाहें तो इसके साथ विंग लाइनर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये लुक इस तरह सिंपल ही अच्छी लगती है। So this is our final look. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी। फॉर मोर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।